रांची पुलिस ने मारपीट और जबरन पैसा छिनतई करने के आरोप में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम संदीप, मनीष, प्रेम, मंगल मुंडा और प्रकाश मुंडा है। दरअसल नामकुम निवासी महादेव मुंडा ने नामकुम थाने में एक FIR दर्ज कराई थी कि स्कॉर्पियो में सवार सभी लोगों ने गाड़ी टकराने की वजह से मारपीट की और गाड़ी में जबरदस्ती बैठाकर 10,000 रुपए छीन लिए। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद नामकुम थाना की पुलिस ने मामले की जांच की और इस घटना में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा नकदी समेत स्कॉर्पियो भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। गांव है ब्यांगी जो रोड में ही पड़ता है, वहां पर शाम के समय में एक सवारी गाड़ी पर अपने पत्नी को बैठा के लोग आ रहे थे तो जस्ट बगल में ही स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी थी, उसमें से 4-5 लड़के उतरे और उसने इल्ज़ाम ये लगाया कि हमारी गाड़ी में तुमने धक्का मार दिया है और उसके साथ बुरी तरह से मारपीट करने लगे। फिर ज़बरदस्ती उनको बैंक में ले गए, उनका ATM निकाल लिया, पास में था ही इनका ATM, उनको ले गया, ले जाकर ज़बरदस्ती 10,000 रुपया उनसे ईमानदारी स्वरूप ले लिया और वहाँ से भागे। तब ये लोग थाना में आकर सूचित किए, थाना पदाधिकारी लोग गए और तलाश करके इन सभी लोगों को पकड़े, जिसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें संदीप टूटी, मनीष टूटी, प्रेम हंसदा, मंगल मुंडा, प्रकाश मुंडा, सभी नामकुम थाना के विभिन्न गांवों के रहने वाले हैं। रांची से न्यूज विंग के लिए रफी सामी की रिपोर्ट। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा, अब बनाए इंडिया को मजबूत ज्यादा। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। दिल्ली पब्लिक स्कूल एडमिशन गोइंग ऑन, RTE से भी एडमिशन जारी है। CCTV से लैस क्लासरूम, अत्याधुनिक लाइब्रेरी और लैब की व्यवस्था, योग्य शिक्षक म्यूजिक टीचर संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। गर्ल्स बॉयज के लिए हॉस्टल, RO के जरिए पेयजल समेत तमाम मूलभूत सुविधा, तो जल्द कराएं अपने बच्चों का एडमिशन। दिल्ली पब्लिक स्कूल।